हेलो नमस्ते सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम, स्वागत है आपका हमारे चैनल सिनेमा ग्राफिक्स में। मैं आज एक नई हॉरर थ्रिलर सस्पेंस से भरी हुई मूवी लाई हूं जिसका नाम है हाउल। इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग है 5.4 out of 10 और वुपिन रोटेन टोमेटो पर 64% बिल्कुल फ्रेश है। इस मूवी की अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं इसकी मूवी एक्सप्लेनेशन में। इस मूवी के स्टार्टिंग में हम एक आदमी को ट्रेन से उतरते देखते हैं जो कि एक टीटी होता है जिसका नाम जो होता है और हमें उसका नाम उसके नेम प्लेट से पता चलता है। तभी हमें ये भी पता चलता है कि वो अपनी ड्यूटी कंप्लीट करके इस ट्रेन से उतर रहा होता है। यहाँ पर एक नॉर्मल कॉन्वर्सेशन समझ में आती है जहाँ पे एक ट्रेवलर उससे पूछता है क्या यहाँ पे न्यू हेवन जाने की ट्रेन मिलेगी। तभी जो उसे रिप्लाई करता है कि हाँ इसी प्लेटफॉर्म पर यह ट्रेन मिलेगी। आगे चलकर वो एक पेज पकड़ाता है दूसरे टीटी को और कहता है ये 11:30 पे न्यू हेवन की ट्रेन है। और उसके बाद हमें ये पूरा प्लेटफॉर्म सीन दिखाया जाता है और उसके बाद वो अपनी केबिन में जाकर अपनी अलमीरा को खोलकर एक एप्लीकेशन फॉर्म निकालता है कि जिसमें लिखा होता है कि आपकी सुपरवाइजर की एप्लीकेशन रद्द कर दी गई है क्योंकि जो को प्रमोशन की नीड होती है। तभी वहाँ एक आदमी आता है जो कि जो से कहता है कि कोई बुरी खबर तो नहीं है और फिर हमें क्लोजर से दिखाते हैं कि वो कोई और नहीं एक सुपरवाइजर होता है। जो सुपरवाइजर को कांग्रेस करता है और तभी सुपरवाइजर बोलता है कि आज केन बीमार है और आज रात तुम्हें ड्यूटी करनी होगी। और तभी जो सुपरवाइजर से कहता है क्या आज रात, और कहने लगता है कि मेरी शिफ्ट तो अभी खत्म हुई है। और तभी सुपरवाइजर बोलता है कि लगता है तुम्हारी ट्रेन में सारे ईमानदार मुसाफिर ही चढ़ते हैं, तभी तो पिछले 6 महीने से तुमने एक भी जुर्माना वसूल नहीं किया। और उससे कहने लगता है कि कहीं तुम जुर्माना वसूल करने से डरते तो नहीं। तभी वहाँ एक ट्रेन में खाना सर्व करने वाली लेडी आती है जो कि ये ट्रेन में खाना सर्व करने वाली होती है और वो जो की तरफ देख कर उसे स्माइल करती है। तभी जो उसी सुपरवाइजर से ठीक है कहकर उसकी बात मान जाता है और उस सुपरवाइजर की तरफ वो लड़की भी देखकर मुस्कुराती है और वो सुपरवाइजर उस लड़की को कैसी हो बोलकर वहाँ से जाता है और लड़की रिप्लाई में उसे ठीक है कहकर वहाँ से फिर चली जाती है। ये मूवी अब ट्रेन की तरफ शिफ्ट होती है जहाँ पर जो कोई अनाउंसमेंट करता है और हमें पता चलता है कि वो अनाउंसमेंट में सबको कहता है गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं इस ट्रेन का गार्ड हूँ और आपका इस ट्रेन में स्वागत है। और ये ट्रेन ईस्ट प्रा अल्फा ट्रैक सर्विस से जाने वाली 11:59 में रवाना होने वाली है मोलशन जंक्शन से। 1:59 पे ये ईस्ट प्रा पहुंच जाएगी। अब आप लोग तैयार रहे टिकट को दिखाने के लिए। हमें यहाँ पर पैसेंजर्स के अहम रोल भी दिखाए जाते हैं जो कि इस मूवी में आखिरी तक रोल प्ले करेंगे। आगे चलकर जो अब सबकी टिकट देखता है और आगे चल के वो एक ओल्ड लेडी से भी मिलता है। जो ओल्ड लेडी हड़बड़ी में अपनी वुडन स्टिक गिरा देती है। जो उस वुडन स्टिक को उठाने के लिए नीचे झुकता है तो उस ओल्ड लेडी का पपी उस पे भौंक कर उसे डरा देता है और जो उसे एक बदसूरत कुत्ता कहकर आगे बढ़ जाता है और वो ओल्ड लेडी उसे घटिया आदमी कह देती है और मन ही मन चुप हो जाती है। तभी जो आगे बढ़ता है और एक ओल्ड लेडी को कुछ मेडिसिन खाते हुए देखता है और टिकट मांगता है। वो औरत उसे रुकने को कहती है और बोलती है कि अरे टिकट खो गई उसकी और कहती है कि सुबह से सारे काम गड़बड़ हो रहे हैं। और उधर साइड जो एक आदमी को कोट पैंट को डस्टबिन में डालते हुए देखता है और जो का टिकट ना दिखाने पर उस लेडी को जुर्माना भरना पड़ता है वो भी 39 pounds का। वो लेडी ईस्ट प्रा का टिकट कटवाती है और वो औरत हैरानी के साथ उसे पैसे दे देती है। और दूसरी तरफ वे आगे बढ़ जाता है और वो उस पैसेंजर को अपने साइड से गुजरते देखता है जिसने डस्टबिन में कोट पैंट को डाला होता है। और तभी वही लेडी जो को कहती है कि तुम ढंग की नौकरी क्यों नहीं ढूंढते। और तभी जो वॉशरूम की तरफ देखता है और वॉशरूम से पानी आ रहा होता है और वॉशरूम में आउट ऑफ ऑर्डर लिखा होता है। आगे बढ़कर एक लड़की के पास जाता है जो कि अपने फोन पे किसी के साथ बात कर रही होती है और अपने फोन के बात करने की वजह से वहाँ बैठे एक ओल्ड मैन और एक ओल्ड लेडी को दिक्कत होती है और वो फोन पर इतनी बिजी होती है कि जो की बात भी नहीं सुनती। और तभी उसको रियलाइज होता है कि जो उसे टिकट देखने के लिए मांग रहा है और कहता है कि आपके फोन पे बात करने की वजह से यहाँ बैठे सारे पैसेंजर को डिस्टरबेंस हो रही है। और वो उसे टिकट दिखा देती है और फोन पे अपनी फ्रेंड से कहती है कि ये आदमी मुझे बहुत ही बुरी तरह से घूर रहा है। तभी जो आगे बढ़कर
सभी का टिकट देखने लगता है और उसे वहाँ पे खाना सर्व करने वाली वही लेडी दिखती है जो उसके केबिन पे आई थी, और वह उस लेडी को देखकर खुश हो जाता है। जो का पूरा फोकस बार बार उसी लड़की को देखने पर होता है और वो लड़की सबको चाय कॉफी सर्व कर रही होती है। तभी जो उसके पास आता है और वो लड़की उसे हेलो बोलती है। तभी जो उससे पूछता है कि कितने पैसे हो गए, तभी लड़की जवाब में कहती है 175 रुपए। और तभी जो फिर उससे कहता है कि मुझे पता नहीं था कि तुम आज ड्यूटी में हो। तभी वो लड़की उसे कहती है कि आज मैं डबल शिफ्ट में हूँ क्योंकि इस महीने उसे पैसों की बचत करनी है क्योंकि उसे जरूरत है। और वो जो उससे कहता है कि डेविड ने भी बिल्कुल ऐसा ही किया है, पर क्या तुम जॉब छोड़ने का सोच तो नहीं रही। पर वो लड़की कहती है कि पता नहीं, पर वो जीवन भर चिकन और सैंडविच नहीं बेचना चाहती। तभी उनकी बात एक पैसेंजर इंटरप्ट करके कॉफी मांगता है और उसी दौरान जो उसे जॉब ना छोड़ने की सलाह देता है। और वो लड़की उसे सॉरी कहकर कहती है कि मुझे बहुत बुरा लगा कि तुम्हारी प्रमोशन की एप्लीकेशन रद्द कर दी गई है। तभी जो उससे कहता है कि ये बात पक्का तुमको डेविड ने बताई होगी। और उसी के दौरान हम देखते हैं कि एक पैसेंजर उन दोनों की बात को बहुत गहराई के साथ सुन रहा होता है। लड़की उसको सलाह देती है कि तुम इस सुपरवाइजर के लिए तुम फिर से एक बार ट्राई करना क्योंकि तुम्हें सारे पैसेंजर को ट्रीट करना बहुत अच्छे से आता है और लोग तुम्हें पसंद भी बहुत करते हैं। तभी वो उसे पता नहीं बोलकर वहां से चला जाता है। उसके बाद जो को एक पैसेंजर अपना बर्गर देकर कहता है कि तुम यहीं खड़े रहो क्योंकि तुम यहाँ पे बहुत देर से खड़े हो, तो फिर इसलिए तुम मेरा बर्गर का भी ध्यान रखना। हम देखते हैं कि जो एक विंडो के पास बैठ जाता है और उसकी आंख लग जाती है और अचानक ट्रेन के रुकने से धक्का लग जाते ही जो की आंख खुल जाती है और हमें पता चलता है कि ट्रेन बहुत ही तेजी स्पीड के साथ रुकी गई है। तभी ट्रेन के अंदर जो जाने की कोशिश करता है क्योंकि वो देखता है कि कहीं यात्रियों को कोई दिक्कत तो नहीं है और उसे कोई गेट के पीछे से परछाई भी दिखती है। और फिर उसे देखने के लिए वो आगे बढ़ता है और आगे एक ट्रेन के ड्राइवर की अनाउंसमेंट होती है जहां वो ये कहता है कि इस ट्रेन को रोकने के लिए हमें खेद है क्योंकि पटरी में कोई प्रॉब्लम हो चुकी है, इसलिए इस ट्रेन को रोक दिया गया है। तभी जहां से उसे परछाई दिख रही होती है वो उस गेट को खोलता है और वहां देखता है कि वही लड़की का सारा सामान गिर गया होता है और एक पैसेंजर उसके साथ मदद कर रहा होता है और वह पैसेंजर उस लड़की पे दिलचस्पी भी ले रहा होता है। और ये बात देखकर जो को थोड़ा गुस्सा भी आता है, हालांकि वो कुछ कर नहीं सकता था। तो वो लड़की उससे कहती है कि जो तुम क्या सारे यात्रियों को जाकर देख लोगे कि सारे यात्री इस धक्के की वजह से ठीक तो है ना। तभी जो उस पैसेंजर की चाबी उठाकर पूछता है क्या यह आपकी चाबी है। तभी वो पैसेंजर हाँ बोलकर ये कह देता है कि ये उसकी चाबी है और बड़े रूढ़ ही अंदाज से उसे देखता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि ड्राइवर अपनी ट्रेन से उतरता है और ट्रेन की पटरियों में देखता है कि आखिरकार दिक्कत क्या है और उसे ये समझ में आता है कि इस ट्रेन की पटरी के नीचे एक हिरन मरा पड़ा है जिसकी वजह से ट्रेन आगे नहीं बढ़ पा रही है। और हमें यहाँ पे सारे पैसेंजर को एक एक करके दिखाया जाता है जहाँ पर वो लेडी जो एक फोन पे बात कर रही होती है और वहाँ पे सारे पैसेंजर को डिस्टर्बेंस दे रही होती है, वो लड़की वहाँ पे गाना उसी तरह सुन रही होती है फोन पे, जहाँ पे ओल्ड मैन और ओल्ड लेडी को भी अभी भी दिक्कत हो रही होती है। और दूसरी तरफ दिखाते हैं जहाँ पे एक औरत मेडिसिन खा रही होती है, वो औरत एक कॉपी में कुछ लिख रही होती है। और तीसरे पैसेंजर को दिखाया जाता है कि तीसरा पैसेंजर अपनी डायरी में कुछ पढ़ रहा होता है। और उसी दौरान हमें दिखाया जाता है कि ड्राइवर को शक होता है कि कोई वहाँ झाड़ियों में है और वो ये कौन है करके पूछता है। तभी हमें पता चलता है कि सामने से कोई उसे अटैक करता है और उसकी वहीं मौत हो जाती है। इसी चिल्लाने के कारण और इसी धक्का मुक्की की वजह से ट्रेन में फिर एक धक्का लगता है जहाँ पर वो औरत जो लिख रही होती है उसे ये समझ में आता है कि इस ट्रेन में फिर से कुछ हुआ। देखते हैं कि जो सबकी मदद करता है सारे पैसेंजर का सामान उठवाने में, और हम देखते हैं कि जो लड़की सॉन्ग सुन रही होती है वो स्मोकिंग कर रही होती है। वहीं पे ओल्ड मैन और ओल्ड लेडी को भी दिक्कत हो रही होती है, तो वो उससे कहता है कि यहाँ पे स्मोकिंग करना मना है और वो उसके हाथ से सिगरेट लेकर उसी सिगरेट को बुझा देता है पैर से। उसके आगे हम देखते हैं कि वो सबका सामान उठाता है, किसी का बुक उठाता है और बुक उठाने वाला सदस्य कहता है कि वो एक बहुत ही अच्छी कहानी रीड कर रहा था लेकिन अब उसका पेज खो चुका है। और कुछ ही देर बाद वो कहता है कि हाँ मुझे मेरा पेज मिल गया। और फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो को लगता है कि हमें इस इंटरकॉम से क्यों नहीं ड्राइवर का कोई भी रिस्पांस मिल रहा है। कुछ देर बाद वो बहुत तेजी से जाता है और वो उस लड़की से बोलता है कि ड्राइवर का कुछ रिस्पांस मिला। तभी वो लड़की कहती है कि मैं इस गेट को बहुत देर से खटखटा रही हूँ,
लेकिन ड्राइवर की तरफ से कोई भी रिस्पांस नहीं आया। तभी जो उससे लॉक खोलकर खोलता है और चेक करता है कि वहाँ पर तो ड्राइवर है ही नहीं। वो गेट खोलकर भी देखता है, लेकिन हमें पता चलता है कि ड्राइवर उस अपनी सीट पे था ही नहीं। हालांकि वो कैसे ही होगा, क्योंकि उसको तो उस मॉन्स्टर ने खा लिया था। उसके बाद हमें ये पता चलता है कि सीन के आगे ही वो इस एक टेलीफोन से कनेक्शन के लिए कॉल करता है, जहाँ पे वो कहता है कि बारिश होने की वजह से थोड़ी दिक्कत है और वो ये सिग्नल उसे नहीं मिल पा रहा है। तभी जो एक अनाउंसमेंट करता है कि ड्राइवर के ना होने की वजह से ये ट्रेन अभी नहीं चल पाएगी। और जब ये बात सारे पैसेंजर को पता चलती है तो सारे पैसेंजर पैनिक करने लगते हैं। कोई अपना पैसा मांगने लगता है, तो कोई ये कहने लगता है कि ये ओल्ड मैन अब ज्यादा देर तक यहाँ नहीं रह पाएगा, क्योंकि उन्हें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तभी हमें ये पता चलता है कि वो पैसेंजर फ्रस्ट्रेशन में आकर कहता है कि क्यों ना हम लोग को इस ट्रेन से उतर जाना चाहिए, क्योंकि 5-6 किलोमीटर की दूरी में ही यहाँ पे ईस्ट पार्क का स्टेशन है और हम सभी पहुंच जाएंगे। लेकिन जो इस बात के लिए अनुमति नहीं देता, क्योंकि वो उसकी जॉब का खतरा बन सकता था, उसने वो ये बात जरूर कहता है कि मैं इस गेट को नहीं खोलूंगा, क्योंकि उसे पता है कि वो उसकी नौकरी के लिए दिक्कत है। लेकिन सारे के सारे वहाँ पैसेंजर इतना पैनिक करने लगते हैं और इतना ज्यादा बोलने के बाद जो तैयार हो जाता है और वो इस गेट को खोल देता है। सभी एक लाइन से चलने लगते हैं आगे की तरफ और एक दूसरे से बात भी करने लगते हैं। तभी उन्हें रियलाइज होता है कि झाड़ियों के पास कोई है, क्योंकि जो सबसे आगे होता है तो वही चेक करने की कोशिश करता है। वो जब चेक करता है तो वो देखता है कि उस ट्रेन के ड्राइवर की लाश वहाँ पे कुछ मॉन्स्टर उसको नोच नोच के खा रहे होते हैं और वो तुरंत सभी यात्रियों को वापस चलने के लिए बोलता है और जल्दबाजी में सब भागने लगते हैं। लेकिन उस ट्रेन में सब तो चढ़ जाते हैं, लेकिन हमें देखते हैं कि उस ओल्ड मैन और उस ओल्ड लेडी को आने में टाइम लगता है। जाहिर सी बात है, वो लोग बहुत ही ज्यादा ओल्ड हो चुके होते हैं तो उन्हें आने में टाइम लगता है। तभी जो कहता है कि जल्दी आइए आप लोग और इस ट्रेन पे चढ़िए, क्योंकि सारे पैसेंजर ये भी कह रहे होते हैं कि जो तुम भी चढ़ो, लेकिन जो की ड्यूटी ये कहती है कि उस सारे पैसेंजर को एक सेफ्टी के साथ उस ट्रेन में पहुंचाए। तभी सबके सब चढ़ तो जाते हैं, लेकिन वो ओल्ड लेडी चढ़ने के बाद उसका पैर बाहर रह जाता है और उस मॉन्स्टर को वो पैर मिलने की वजह से वो मॉन्स्टर उस पैर को खा जाता है। और कुछ इसी तरह ही छीना झपटी होती है और किसी ना किसी तरह से वो ओल्ड लेडी अंदर आ जाती है। जब वो ओल्ड लेडी अंदर आ जाती है तो उसका ब्लड बहुत बह रहा होता है और सभी बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं कि आखिर ये क्या चीज थी। तभी हमें ये भी रियलाइज होता है कि बहुत ही ज्यादा हाउल करने की आवाज आती है और सारे के सारे पैसेंजर डर जाते हैं। जो भी देखने की कोशिश करता है कि आखिरकार ये है कौन, और वो सब एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं और डर रहे होते हैं। वो कहने लगता है कि ये एकदम भालू जैसा था, और दूसरी लड़की कहती है कि भालू ऐसे नहीं होते हैं। तो तीसरी लड़की कहती है क्या ये कोई भेड़िया हो सकता है। तभी जिस लेडी को उसने काटा होता है वो कहती है कि ये कोई भालू या भेड़िया नहीं, वो एकदम आदमी की तरह था। और उसके बाद हमें ये भी दिखाया जाता है कि वहाँ बहुत ज्यादा सब सहम से जाते हैं। और उसके बाद हमें सीन कुछ ट्रेन के ऊपर और फ्यूल की तरफ दिखाया जाता है, जहाँ पे वो वहाँ पे वायर झिलमिला सी रही होती है, क्योंकि वो बिल्कुल टूट सी चुकी होती है। और उसके बाद हमें एक आवाज आती है गेट के पास से, जहाँ सब लोग डर जाते हैं कि इस गेट के पास है कौन। तभी जो कहता है कि मैं चलता हूँ, मैं जाके देखता हूँ कि वहाँ क्या प्रॉब्लम है। तभी जो बहुत ही डरावने अंदाज से वहाँ से जाता है, और जैसे ही वो देखता है कि वहाँ पे एक आउट ऑफ ऑर्डर करके एक वॉशरूम होता है, वो खटखटा रहा होता है। और देखता है जैसे ही वो उस वॉशरूम को खोलता है तो वहाँ पे वही मोटा आदमी मिलता है जिसने उस जो को बर्गर पकड़ाया था। और हमें पता चलता है कि इस दौरान वो वॉशरूम में लॉक हो गया था, क्योंकि वो वहाँ वॉशरूम करने के लिए गया हुआ था। वो उसे अंदर लेकर आता है, तभी वो सब लोग उस मोटे आदमी को बताते हैं कि यहाँ पे क्या क्या हुआ। और तभी वो मोटा आदमी शॉक्ड हो जाता है कि बैरक्सल स्टेशन उसका ऑलरेडी निकल चुका है, और वो बहुत ही शॉकिंग अंदाज से कहता है कि मेरा स्टॉप तो पहले ही निकल चुका है। तभी वो एक लेडी वहाँ पे कहती है कि बस तुम्हारी ही कमी थी और तुम भी आ गए। और वो पैसेंजर भी कहने लगता है, जो कि उस लड़की पे दिलचस्पी लेता है, तो वो पैसेंजर भी उससे कहने लगता है कि यहाँ पे सारे नेटवर्क पता नहीं क्यों चले गए हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ सभी कुछ परेशान चल रहे होते हैं, और वो औरत जो इन्फेक्ट हो चुकी होती है वो दर्द से कराह रही होती है। और तभी हम उसकी पट्टी को देखते हैं बहुत ही क्लोजर से, उसका मांस बहुत ही ज्यादा खाया हुआ होता है, और हमें ये भी रियलाइज होता है कि जैसे किसी कुत्ते ने काटा हो। वो लड़की वहाँ खड़े होकर उस जो से कहती है कि मैंने आज तक
सारे कुत्तों को काटते हुए देखा है, लेकिन मैंने ऐसा काटता हुआ निशान कभी नहीं देखा। उसके बाद हमें क्या पता चलता है कि वो जो लड़की उस पट्टी को हटा रही होती है, तो वो उठ के उस लड़की के पास जाती है जो कि गाने सुन रही थी पहले। वो उसके पास जाके उससे कहती है कि तुम यहाँ अकेले क्यों बैठी हो, लेकिन वो लड़की कहती है कि क्या वो ओल्ड लेडी ठीक हो जाएंगी ना। तभी वो उसे दिलासा के तौर पर कहती है कि हाँ वो ठीक हो जाएंगी, और उसे हंसाने के लिए कहती है कि तुम्हें पता है तुम्हारे शूज बिल्कुल मेरी बेटी की तरह है। मेरी बेटी अभी बहुत छोटी है और वो बहुत जल्दी बड़ी होना चाहती है, और उसको मेरे से बात करने पे भी थोड़ा अजीब लगता है। तभी वो लड़की कहती है कि वो आपका इंतजार कर रही होगी ना। तभी वो लेडी बताती है कि हाँ मेरी बेटी इंतजार तो नहीं कर रही होगी, क्योंकि वो मेरे घर जाते जाते सो जाती है और वीकेंड्स पे अपने डैड के पास रहती है। तभी वो ये भी बताती है कि उसकी मॉम भी उसकी सबसे अच्छी बेस्ट फ्रेंड है, और वो लेडी कहने लगती है कि इसका मतलब मेरा भी चांस है। तभी हमें गेट के पास से कुछ खटखटाने की आवाज आती है और बहुत ही हाउलिंग होती है, और हमें रियलाइज होता है कि ये मॉन्स्टर फिर से वहाँ आ चुका है। और तभी वहाँ सभी डर जाते हैं और अपनी अपनी सारे टॉर्च उठाने लगते हैं। तभी किसी का फोन बजता है और हमें रियलाइज होता है ये उसी लड़की का फोन होता है जो पहले सीन में गाने सुन रही होती है और फोन पे बात कर रही होती है। वो लड़की फोन उठाती है और पता चलता है कि उसकी मॉम का फोन है। सभी उससे कहने लगते हैं कि उससे बताओ कि हमें क्या दिक्कत है। वो लड़की हड़बड़ी में कहती है कि मॉम मुझे बहुत ज्यादा दिक्कत है और यहाँ बहुत कुछ गलत हो रहा है। वे सभी कहते हैं कि तुम मुझे फोन दो, मुझे फोन दो, और इसी हड़बड़ी के चक्कर में वो बहुत पीछे हो जाती है और एक मॉन्स्टर आके उस कांच को तोड़कर उसको ले जाता है। और वही लेडी जो उससे अभी बात कर रही होती है वो उसे बचाने लगती है, लेकिन अब वो उसे बचा ना पाती क्योंकि उसे एक और पैसेंजर उसी तरह से पकड़ लेता है, और हमें पता चलता है कि वो लड़की को भी मॉन्स्टर उठा के वहां से मार देता है। तभी सब लोग अपने ट्रेन के दूसरे डिब्बे में शिफ्ट होने लगते हैं, क्योंकि उस ट्रेन के डिब्बे में कांच टूट जाता है और वो लड़की जो कि मर गई होती है, जिसके साथ वो लेडी बात कर रही होती है, वो इतनी ज्यादा जज्बाती होती है कि वो बार बार उसे बचाने के लिए भागती है, लेकिन वो पैसेंजर उसका मुंह दबाता है और उसे समझाता है कि प्लीज ऐसा मत करो, अब वो मर चुकी है। वो लड़की भी उससे कहती है कि अब वो मर चुकी है, अब उसे बचा पाना मुश्किल है। तभी वहां पे वो ओल्ड मैन चिल्लाकर बोलता है कि हम सबको इस समय हिम्मत से काम लेना होगा और उन मॉन्स्टर का सामना करना होगा। तभी उस वक्त वो ओल्ड लेडी खांसने लगती है और वो ओल्ड मैन उसे पानी देने के लिए बॉटल उठाता है, तो उसे पता चलता है कि उस बॉटल में तो पानी ही नहीं है। तभी वो लड़की कहती है कि एक बॉटल का पानी जो के पास होगा। तभी वो ओल्ड मैन उसके पास जाता है और उससे पानी मांगता है और उससे कहता है कि तुम एक बहुत ही अच्छे आदमी हो, और वो ओल्ड मैन उस ओल्ड लेडी को पानी पिलाने चला जाता है। तभी सब उस पे व्यस्त होने लगते हैं और हमें पता चलता है कि वहाँ पे वो पैसेंजर आता है जो उस लड़की से दिलचस्पी लेता है और उन्हीं दो चाबियों को लेकर वहाँ बात करता है जो उसे कि मेरे पास ये कंट्री हाउस की चाबी है जहाँ पर बीवी बच्चे और कुत्ते सब है, और दूसरी ये चाबी है मेरी सारे फ्लैट की और कुछ 5 मिनट की दूरी में ऑफिस जहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी लड़कियां भी आती हैं और वो स्मार्ट भी है, तो इस वजह से उसकी सेटिंग भी सही है। तभी जो कहता है कि वाकई तुम्हारी सेटिंग बहुत सही है, और वो उसे ये भी बताता है कि उसके पास कोई भी कमी नहीं है, और उन सब की तरफ देखकर बोलता है कि इन लोगों को मौत और जिंदगी से ये लोग जूझ रहे हैं जो कि खुद इनके पास कुछ भी नहीं है। तभी वो जो भी रियलाइज करता है कि वो उस लड़की के लिए उसको इम्प्रेशन देने के लिए वो उसे सब बता रहा है कि वो ओल्ड लेडी खांस रही होती है, शायद वो इतनी और दर्द में होती है कि वो उसे खांसने की वजह से वहाँ के सबका ध्यान बढ़ता है। और कुछ ही देर बाद उसे रियलाइज होता है, जो को ये समझ में आता है कि शायद यहाँ पे एक पैसेंजर कम है, और वो सबसे कहता है कि यहाँ पे एक पैसेंजर कम है, और हमें दिखाया जाता है कि वही मोटा इंसान उस वॉशरूम में जाकर चला गया है जहाँ पे मूवी के सीन में पहले आउट ऑफ ऑर्डर लिखा था और जहाँ से पानी आ रहा था। इसका मतलब है कि वो वॉशरूम सही नहीं था और वहाँ पे खतरा हो सकता है। वो उसे बचाने के लिए जाता है तो वो उसका लॉक खुलता नहीं है और उसे जल्दी चलने के लिए बोलता है, लेकिन उस मोटे आदमी का वो लॉक खुल ना पाने की वजह से वहाँ पे वो मॉन्स्टर आ जाता है और उस पर हमला कर देता है। और यही सब देखकर वही पैसेंजर जो कि अभी जो से बात कर रहा होता है वो डर जाता है और वो जल्दी से गेट बंद कर देता है। जो बहुत तेजी से खटखटाता है कि मुझे अंदर आने दो, और वो लड़की भी उसे समझाती है कि उसे अंदर आने दो, और वो मॉन्स्टर बिल्कुल जो के सामने आ जाता है। डर के मारे जैसे तैसे वो अंदर आता है और गेट लगाता है। पैसेंजर उस
लेडी को मारने लगता है और वहीं उसका जो पति होता है ओल्ड मैन वो उसे बचाने लगता है और तभी वहाँ पे जो लेडी होती है वो उस पैसेंजर का उसके बेल्ट से ही उसका हाथ बांध देती है और कुछ ही देर बाद जो उससे कहता है कि तुम इस पे नज़र रखना और हम दोनों ड्राइवर के केबिन में होंगे और वो दोनों नीचे रिपेयर करने के लिए जाएंगे। तभी वो दोनों रिपेयर करने जाते हैं और वो आदमी नीचे चला जाता है और फ्यूल को रिपेयर करने लगता है, लेकिन उसी दौरान वो इंसान भटक जाता है क्योंकि उसे उस लड़की की आवाज़ आती है रोने की जो कि पहले सीन में गाना सुन रही होती है। वो उसको देखते देखते जंगल के अंदर चला जाता है और तब उसको रियलाइज होता है कि वो भी इन सब का शिकार होने वाला है और कुछ ही देर बाद उसको भी मॉन्स्टर खा जाते हैं। उसके चिल्लाने की आवाज़ आती है और सभी यात्री को ट्रेन में सुनाई देता है कि वो भी एक आदमी मर चुका है। तभी हमें पता चलता है कि फ्यूल रिपेयर हो चुका है और लाइट जल जाती है और ये लोग की इंजन शुरू हो जाती है। तभी वहाँ पे हमें ये दिखाया जाता है कि वो जो ओल्ड लेडी इन्फेक्ट थी वो उसी तरह उन्हीं की तरह बनने लगती है और बहुत तेजी से काटने के लिए दौड़ने लगती है। तभी वो पैसेंजर उस औरत से कहता है कि उसका हाथ खोलो क्योंकि तुम्हें दिख नहीं रहा कि वो भी उसी तरह इन्फेक्ट होने वाली है। तभी वो उसका जल्दबाजी में हाथ खोलती है और कुछ ही देर बाद वो भी उसी तरह बनने लगती है और पीछे से उसको एक मॉन्स्टर आके घसीट लेता है और तभी उसे वो मॉन्स्टर्स भी वहीं खा जाते हैं। उसके बाद वहाँ उस ट्रेन में वो ओल्ड मैन और वो इन्फेक्टेड लेडी और वही पैसेंजर बचता है जो कि अभी जो से रूठ रह रहा था। तभी वो ओल्ड लेडी उस पैसेंजर पे हमला करने लगती है और जब वो पैसेंजर उसे बदले में मारता है तो वो ओल्ड मैन उसे बचाने लगता है, कहने लगता है कि वो उसकी बीवी है और वो उसको कुछ ना करे। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो ओल्ड लेडी उस अपने हस्बैंड को भी मार देती है और उसको उस पैसेंजर के पीछे पड़ जाती है। तभी इसी तरह की चक्कर में वो उसी जो को आके उसके पीछे से खंजर भोंक देता है और हमें पता चलता है कि जो ने उस पैसेंजर की मदद की होती है, लेकिन खंजर भोंकने के बाद ही तुरंत वो उसका गला दबाने लगता है और वो पैसेंजर कहने लगता है कि अगर गला दबाना ही था तो उसने उसको उससे बचाया ही क्यों। तभी वो पूछता है कि वो लेडी कहाँ गई, तो वो बताता है कि अगर वो लेडी बची होती तो वो शायद आज मेरे साथ होती क्योंकि उसने मेरा हाथ बंद कर रखा था। उसके बाद हमें ये रियलाइज होता है कि ट्रेन में सारे मॉन्स्टर आ चुके हैं और हमें उसके बाद दिखाया जाता है कि पैसेंजर जो से कहता है कि अब वो भी उसको नहीं छोड़ेगा और वो इसका चारा बनेगा। वो उसको मारने लगता है और उस लड़की को भी धक्का देने लगता है जब वो लड़की उस जो को बचाने लगती है। तभी इसी दौरान बहुत ज़्यादा हाथापाई होती है और वो मर्द कहने की हिम्मत रखता है। तभी वहाँ दिखाया जाता है कि ट्रेन जो चल रही होती है वो रुक जाती है क्योंकि फ्यूल फिर से फट जाता है क्योंकि वहाँ पे कुछ हाउल करते हुए मॉन्स्टर आ जाते हैं और वो आदमी छुपने की वजह से उस ट्रेन से चिपक जाता है जिसकी वजह से वो फ्यूल टूट जाता है। उसी हाथापाई के दौरान वहाँ पे वो वही आदमी आ जाता है जो उस फ्यूल को ठीक करने गया होता है। वो एक लकड़ी में आग लगाकर लाता है और वहाँ पे सारे मॉन्स्टर को जलाने लगता है। तभी वो लड़की बहुत मुश्किल से उस ट्रेन का गेट खोल पाती है और उतर जाती है और जो भी वहीं से उतर जाता है, लेकिन बदकिस्मती से वो आदमी को उस मॉन्स्टर को घसीट लिया जाता है और वो आदमी भी उसी ट्रेन में मर जाता है। जो और वो लड़की ही अब पूरे उसमें बचे थे और वो दोनों भागने लगते हैं और भागने भागते उसे रियलाइज होता है कि किसी एक को वहाँ चारा बनना ही पड़ेगा। तभी जो उस लड़की को वहाँ से भागने के लिए बोलता है, लेकिन जो उसे साथ चलने के लिए बोलती है और बहुत ज़्यादा रोती है। तभी जो उसे किस करता है और कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ। वो उसे बहुत ज़्यादा कोशिश करता है जाने की और तभी थक हार कर हताश होकर वो लड़की भी वहाँ से भाग जाती है और हमें दिखाया जाता है कि वो बहुत ज़्यादा उन मॉन्स्टर से लड़ता है, उसके बाद वो भी उनका शिकार हो जाता है। अब हमें दिखाया जाता है कि जो भी मर चुका है और वो लड़की एक स्टेशन में थक हार कर पहुँचती है, शायद वो स्टेशन और कोई नहीं इस पड़ा रहा होगा। और हमें दिखाया जाता है कि अभी भी वो पैसेंजर बचा हुआ है और वो भागते भागते उस जंगल में खड़े होकर कहता है कि मैं इस जंगल को एक दिन ज़रूर खरीदूंगा और इस जंगल में आग लगा देगा। तभी वो जो का कोट देखता है और उसे सांत्वना मिलती है कि शायद जो भी जिंदा है। दोस्त बोलकर पुकारता है और देखता है कि वो भी मॉन्स्टर बन चुका होता है और इसी दौरान सारे मॉन्स्टर आके उसे खा जाते हैं और वो लड़की को दिखाया जाता है कि वो जो का नेम प्लेट लेकर देखती है और रोने लगती है। ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। अगर आपको ये मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स पे बताइएगा कि ये मूवी आपको कैसे लगी। मुझे तो ये मूवी बस ठीक ही लगी, लेकिन अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो प्लीज जरूर कमेंट कीजिएगा।